गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, आई एम रुचि गुप्ता योर मैथ्स टीचर। मैंने कल आपको चैप्टर 7 की रिवीजन कराई थी बेटा, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8A की रिवीजन। आपके UT 3 स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, 24 तारीख से आपके UT हैं। 24 तारीख को आपका GK और कंप्यूटर का UT है, वो आपको फ़ोन पे ही देना है, ठीक है? घर में फ़ोन पे होगा, फ़ोन में सबमिट कर देना। 27 तारीख को मंडे से आपको स्कूल आना है। 11:20 से लेके 2 बजे तक का आपका टाइमिंग है। मंडे को 27 तारीख को आपका मैथ्स और संस्कृत दो यूटी हैं, ठीक है? वो पेपर बेटा आपका 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर है और 10 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर है। क्वेश्चन पेपर आपको स्कूल में मिलेगा, 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर आप क्वेश्चन पेपर में ही टिक मार्क कर देंगे। 10 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव पेपर है उसके लिए आपको शीट मिलेगी, शीट में आपने आंसर करने हैं, ठीक है? एक्सरसाइज 8A की मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, रिवीजन है, रफ कॉपी में कर लेना। एक ही क्वेश्चन बेटा आपको करके देखना है, ठीक है? मैथ्स है, प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एज डेसिमल, आपको डेसिमल में लिखना है। 2100 यानी 21/100, फिर 100 हटाना और डेसिमल लगा देना, ठीक है? 0.21। नेक्स्ट है 200 3 1s 9000, इसके लिए मैंने आपको टेबल बनवाई थी। 100 10s 1s, फिर डेसिमल 10th 100 1000, 1000 है ना, तो आपको 1000 तक टेबल बनानी है। 100 के नीचे 2, 10s आपको गिवन नहीं है उसके नीचे 0, 1s के नीचे 3, 10th गिवन नहीं है, 100 गिवन नहीं है उसके नीचे 0, 1000 के नीचे 9। सेकेंड क्वेश्चन में आपको लिखना है बेटा नंबर नेम। नंबर नेम कैसे लिखते हैं? ये नंबर नेम, ऐसे नंबर नेम लिखना है आपको। ये 12 है, इसको डेसिमल से पहले आपको इकट्ठा लिखना है। 12.608, डेसिमल के राइट साइड के नंबर बेटा अलग अलग करके लिखते हैं। 12.608 स्पेलिंग लिखनी है आपको, 12 की, पॉइंट की, 6 की, 0 की, 8 की, इसको भी लिखोगे। जब डेसिमल से पहले 0 होता है बेटा तो पॉइंट से स्टार्ट करना, 0.01, ठीक है? स्पेलिंग लिखनी है 0.01। राइटिंग फिगर, अब ये फिगर में लिखनी है, अब ये ऐसे लिखना है आपको। कैसे लिखेंगे देखो, 13.13.8 909.09, फिर है बेटा आपका राइट एज डेसिमल। अब देखो आपको डेसिमल में लिखना है, 100 हटाना और डेसिमल लगाना। देखो काउंट करना, 1 2, 2 0 है ना, 1 2, यहाँ डेसिमल और डेसिमल से पहले 0। यहाँ पे देखो दो नंबर, 2 0 है ना नीचे, ये हटाना है हमको 100। एक नंबर 3, उससे पहले 0, फिर डेसिमल, फिर 0, 100 हट जाएगा और डेसिमल लगेगा। 100 में 2 0 हैं तो डेसिमल के राइट साइड भी बेटा आपके 2 नंबर होने चाहिए। 3 0 है ना, 3 0 हटानी है हमको, 1000 हटाओगे, देखो 3 काउंट करना है, 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल 8.124, 1000 हटाना है और डेसिमल लगाना है। अब देखो 3/5 है, अब डेसिमल कैसे लगाओगे? डेसिमल लगाने के लिए तो हमें नीचे क्या चाहिए, 10, 100 या 1000, ना तो ये 10 है, ना 100 है, ना 1000 है, तो क्या करेंगे हम, इसको 10 बनाएंगे। 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा बेटा, 6/10, फिर 10 हटाओ और डेसिमल लगा दो, 0.6। फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रैक्शन में लिखना है आपको। देखो फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं बेटा, डेसिमल हटाओगे, बाय 1 डाल के 1 2 3, डेसिमल के राइट साइड 3 नंबर हैं तो नीचे 3 0। 57/, डेसिमल हटा दो, राइट साइड 1 नंबर है तो नीचे 1 0, 57/10, डेसिमल हटाओगे, 3/10, डेसिमल हटाओगे, ये पूरा लिखना है 15008 बाय में 1000, डेसिमल हटाना 45/100, डेसिमल हटाओ
352/100। डेसिमल के राइट साइड दो नंबर हैं तो 100। एक्सरसाइज 8A, ये रिवीजन आपको अपनी प्रैक्टिस कॉपी में करनी है। ओके, थैंक यू।